बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने 15 फरवरी को बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी शादी की थी। इसके लगभग 1.5 महीने बाद ही दिया ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा कर दी। इसके बाद कहा जाने लगा कि दिया ने प्रेग्नेंट होने के कारण वैभव रेखी से शादी की है। हालांकि अब दिया ने इस मुद्दे पर जवाब देकर बातें बनाने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया। दिया ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों शुरू में प्रेग्नेंट होने की बात छिपाई थी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने दिया की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, बहुत अच्छा मुबारक हो, लेकिन परेशानी तो यह है कि इन्होंने शादी में महिला पंडित को बुलाकर तो स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश की, मगर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शादी से पहले नहीं बता सकती थी। क्या सिर्फ इसलिए शादी के बाद प्रेग्नेंट होने की स्टीरियोटाइप को हम फॉलो करते रहें? आखिर एक महिला शादी से पहले प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? इस इंस्टाग्राम यूजर को जवाब देते हुए दिया ने लिखा, दिलचस्प सवाल है। पहली बात, हमने केवल इसलिए शादी नहीं की क्योंकि हमारा बच्चा होने वाला था। हमने पहले शादी करके अपनी जिंदगी के साथ बिताने का फैसला कर चुके थे। जब हम शादी की तैयारी कर रहे थे तभी हमें आने वाले बच्चे के बारे में पता चल गया था। इसलिए शादी केवल प्रेगनेंसी के कारण नहीं की गई है। हमें प्रेगनेंसी के बारे में मेडिकल कारणों से नहीं बताया था क्योंकि हम पहले जानना चाहते थे कि यह सेफ है या नहीं। यह मेरी जिंदगी की सबसे खुशी देने वाली खबर है जिसके लिए मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया है। मुझे मेडिकल कारणों को छोड़कर इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में दिया ने आगे लिखा, मैं केवल इस बात का जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नंबर वन, जिंदगी में बच्चे को पाना एक बेहद खूबसूरत तोहफा है। नंबर दो, इस खूबसूरत सफर के साथ किसी भी तरह की शर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नंबर तीन, एक महिला होने के नाते हमें हमेशा अपनी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। नंबर चार, चाहे सिंगल रहते हुए बच्चे के पेरेंट बनने की बात हो या शादी के बाद, ये सब हमारी चॉइस है। नंबर पाँच, एक समाज के तौर पर हमें सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ देना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। बजाय इसके हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। क्या कहना है आपका दिया मिर्जा के प्रेग्नेंट होने के बारे में? कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।